हेलो हाँ वही हाँ जी हाँ मर्जी 200, 100, 500, 1000 माँ माँ मुझे पता Thank you.
Thank you.
मोटर काम नहीं कर रहा था सर। ये मोटर काम क्यों नहीं कर रहा था?
सर कब से बोलो लाइट ही नहीं थी। चुप हो जा बदतमी, भाले 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 तुम्हारे भाले सुन के मेरे कान फट गए। अब सब यहाँ पे मुंह धोकी क्यों नहीं भरी पड़ी है? शेरिक बेटा तुम नए आए हो? जी सर। हाँ तो मुझे ये बताओ कि कौन सी चिड़िया सबसे तेज उड़ती है? जिसको जल्दी हो सर। हाँ जिसको जल्दी हो। चलो बता ही देते हैं सर, पानीपत की युद्ध में दोनों सेनाएं आपस में टकराए और खचई खचई करके तलवारें चली, जिसमें किसी के धड़ियां उड़े और किसी के शरीर वहां उड़े। सर इतनी खतरनाक लड़ाई थी। चलो छोड़ो मैं नहीं कर रहा था। वर्णन तुमने ढंग से नहीं किया बेटा, लाठी दिख रही है पड़ गई ना तो तुम्हारे सर धड़ सब अलग हो जाएंगे गधे की औलाद। नीचे बैठ जाओ तोता राम, तुम खड़े हो जाओ। जी सर। मुझे एक वैज्ञानिक का नाम बताओ। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, अबे पागल, हीरोइन का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। तुम्हें क्या हुआ यार बिल्कुल कहीं के? सर ये बचपन से सोच रहा है, इसके कहने का मतलब है आलिया भट्ट। तुमसे ज्यादा समझदार है, बैठ जाओ नीचे। शाबाश बेटा, ये गधा है यारे बताने से तुम्हारे। ये बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? सुपारी लेने का काम करते इसके पापा जी। अरे बेटा यार तुम सब याद रखो, जो चिड़िया सबसे जल्दी में होती है वो सबसे तेज होती है, ठीक है? तुम खड़े हो जाओ सिद्धू बेटा, तुम खड़े हो जाओ। ओके सर। ओके सिद्धू, तुम्हारा असली नाम है क्या? नहीं सर, मेरा नाम है सुदर्शन चंद्र चंद्र चक्रवर्ती सर। नाम बता रहे हो कि घर का पता बता रहे हो? हाँ कैसे कैसे बच्चे भरे पड़े हैं। तुम खड़े हो जाओ मनदीप बेटा। यस सर। पिछले कल मैंने पानीपत के युद्ध का वर्णन कराया था, इन मूर्खों को तो समझ आया नहीं होगा, तुम मुझे शक्ल से समझदार लगते हो थोड़े, तो मुझे पानीपत के युद्ध का वर्णन करा के बताओ। सर पानीपत 1872 में क्या हुआ था? गांधी जी 3 साल के हुए। गांधी जी 3 साल के हुए थे। अच्छा जी बेचारे, ये सवाल काफी बार पूछा गया है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, ठीक है? सोया हुआ है क्या? ए उठ। यस सर। पता मैंने अभी क्या बोला? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तुझे बीमार कर दूंगा कुत्ते की औलाद, नीचे बैठ। सांस आप देने करने पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, छाती में दर्द हो रहा है, सर्दी काफी तेज कर रहा है। बाप रे बाप, प्रभु कहाँ कैसे बच्चे मेरे मत्थे मर दिए। आपसे बस एक ही कृपा है, मुझे अपनी शरण में बुला दो। हाँ कौन बेवकूफ बोल रहा है? तुम खड़े हो जाओ और मुझे 14 फलों के नाम बताओ। सर 1 दर्जन के लिए और 2 तरबूज, वही ना 14। अच्छा 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 बेटा, 2 लाठी मार देना तुम्हारे तरबूजों पे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाना है। हाँ सर दर्द कराते थे यार, ये बच्चे क्या नालायक बच्चे भर के रखे यार स्कूल में। तो पता नहीं इनका असली टीचर कैसे सहता होगा, मैं तो आया भी 1 दिन की ड्यूटी पर हूँ। हाँ एक तो ये दिल की बीमारी, ऊपर से ब्रेन ट्यूमर, ऊपर से ये नालायक बच्चे हैं। हाय राम, अब तुम बताओ मुझे, खड़े हो जाओ। रेगिस्तान में रहने वाले एक जीव का नाम बता दो बेटा। वो शाबाश बेटा, एक और जीव का नाम बता दो। एक और अरे बाप रे मेरे बाप, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। कैसे कैसे नालायक बच्चे भर के शांत कर जाओ, गुस्सा नहीं। अच्छा तो एक आखिरी बात बताने जा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, कि जो व्यक्ति अपनी बात दूसरों को समझा ना सके वो सबसे बड़ा गधा होता है। सर आपकी बात मुझे समझ में नहीं है। मुझे गधा कहने की कोशिश कर रहा है, भागो यहाँ से, भागो सारा, भागो तुम्हारी तो मैं तुम क्या कर रहे हो? छाती में दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, प्रभु मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ प्रभु।